नमस्कार, मैं नेहा घई, ये मेरी मदर है रजनी दिलापरी। हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर ललित मोदी की टीम के अंडर मम्मा को एडमिट कराया था। हमारी मम्मा के पैर में एक्चुअली गिर गए थे और पैर में गिरने की वजह से सेप्टिसेमिया हो गया था। उसकी वजह से जो कंडीशंस थी वो बहुत वर्स होती गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हर चीज़ के। लेकिन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मोदी और उनकी एक एक टीम का, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, दे हैव वर्क वेरी हार्ड। और उनकी जो डेडिकेशन था, उनका जो स्टाफ का मैनेजमेंट था और जो केयर उन्होंने हमारे यहाँ पेशेंट की करी, मैं मम्मा की करी, दैट वॉज रियली ऑसम। इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब हमारी मम्मा आईसीयू में चली गई तो बहुत ज़्यादा हमें उन्होंने जो सपोर्ट किया, एक जो केयर उन्होंने करनी थी वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट उसके अलावा आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जो हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करी, हर कॉम्प्लिकेशन को, हर चीज़ को इतने अच्छे से पोलाइट वे में बताया कि हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि वी आर ऑन द राइट पाथ और सही हैंड्स में हमारा जो पेशेंट है। आज मम्मी बिल्कुल ठीक है हमारी एंड आज हमारा डिस्चार्ज मम्मा का हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी एंड सीरियसली वर्ड्स आर नॉट इनफ कि हम उनका थैंक कर पाए। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको, आपकी टीम को हमारी तरफ से और बेस्ट विशेस। आप बहुत ग्रो करें, सक्सेस। स्पेशली मैं यहाँ पे MICU के लिए भी ऐड करना चाहूँगी। MICU में ICU के हर एक स्टाफ ने, हर एक डॉक्टर ने, हर एक नर्स ने इतना अच्छा से ध्यान रखा वहाँ पे भी। वहाँ भी हमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई, जो भी वो कर रहे थे कंसेंट के लिए, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटा रिजल्ट, जो रिपोर्ट आई हमें बताया गया, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल की हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल का केयर मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑसम। मैं तो यही बोलूँगी वैसे कि हम यहाँ पे जो हाइजीन है, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और सब देखा जाता है, पेशेंट केयर है, दैट इज़ 10 आउट ऑफ 10।